कुछ मूवीज ऐसी होती है ना जो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और ना बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, उनके बीच वाली लाइन में ही होती है। तो आज एक ऐसी ही मूवी देखी है, 10 रब 10, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। फाइनली इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कि आपका इस मूवी पर टाइम देना सही रहेगा या नहीं रहेगा। इस मूवी में कहानी फोकस करती है कि भाई एक बंदा एक लड़की पर नजर रख रहा है और फिर उस लड़की को भाई किडनैप कर लेता है। फिर उसके बाद वो अपने घर में ले जाता है, जो कि जंगल के आगे उसका घर होता है। और वहाँ पर एक रूम बनाया होता है जिसको 10 रब 10 यानी कि साउंड प्रूफ होता है, उस वहाँ पर उस लड़की को रखता है। तो भैया तुम्हें यही जानना है कि आखिर उसने लड़की को बंदी क्यों बनाया और आखिर ऐसा रूम उसने क्यों तैयार किया था उस लड़की के लिए। तो वही सब जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ता है भाई। तो सीधी बात बताऊं, जब इस लड़की को किडनैप करता है और ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर भैया इस लड़की को किडनैप क्यों किया है। यानी कि ना तो ये इसका कुछ फिजिकल शोषण करना चाहता है या इसका कोई अलग मकसद है। फिर मेरे को समझ तो आ रहा था कि आखिर इस लड़की से इसका कोई पुराना मामला है, वही पुराना मामला जो कि मिस्ट्री मूवी का यही चक्कर होता है कि एंड पे जाके आपको पता चलता है कि भाई आखिर ये पूरा मामला था क्या, आखिर इसमें ऐसा क्या था। मिस्ट्रीज का यही लेना देना है कि वो एंड पे जाके पता चलता है। अगर मिस्ट्री अच्छी मिल गई तो मूवी देख कर मज़ा आ गया, मिस्ट्री ना अच्छी लगी तो हमें भैया वो टाइम वेस्ट लगता है। लेकिन इस मूवी की जो कि एंडिंग आप बोल सकते हो, जो राज खुलता है, वो मेरे को ठीक ठाक लगा है। यानी कि जिस तरह इस मूवी की राइटिंग थी, लेकिन जो कि एक चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी कि एक बंदा लड़की को किडनैप करता है फिर उसका मोबाइल भी उसी के पास है। काफ़ी ऐसी गलतियां आप निकाल सकते हो और भी काफ़ी देखने को मिलती हैं। और एकदम जो कि लड़की है भाई, जो कि आप सोच सकते हो को फ्लावर बेचती है और वो एकदम मार्शल आर्ट बन जाती है, ये चीज़ें बिल्कुल भी इस मूवी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मूवी के पहले 50 मिनट हैं बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं, आपका इंटरेस्ट पैदा ही नहीं होता इस मूवी के अंदर। एक ही क्वेश्चन तुम्हें सुनने को मिलता रहता है कि व्हाट इज़ यूर नेम, जो कि लुइस नाम का बंदा उस लड़की से पूछता रहता है। तो मैं तुम्हें इतना ही बोलूँगा कि ये मूवी मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। इस मूवी को देखने के बाद मेरे को यही फीलिंग आ रही थी कि भाई अपना टाइम ही ज़ाया करना है। तो मैं तुम्हें इतना ही बोलूँगा, इस मूवी को बिल्कुल मत देखना। अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से, तो 2 रेटिंग दूंगा। वीडियो कहीं पर खत्म। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मार लो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।